नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान इतरा पे। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि कॉटन का सीज़न चल रहा है, तो इस कॉटन में अभी आप सामने देख रहे हैं बहुत अच्छा फील्ड है। तो इसमें ज़्यादातर क्या रहता है कि जैसे रस चूसे कीटों का अटैक रहता है, जैसे थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, हरा मच्छर है, एफिड है। तो इनसे क्या है कि ये कीट है जो पत्तियों का रस चूसते हैं, और रस चूसने के कारण पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं, जिससे क्या कि पूर्ण रूप से भोजन नहीं बनता है। तो इन कीटों के कारण पौधों में रस चूस लिया जाता है, और चूसने के बाद पत्तियाँ ये ख़राब हो जाती हैं। जैसे ये आप अपने सामने देख रहे हैं, इस प्रकार से हो जाती हैं ये पत्तियाँ। पूर्ण रूप से भोजन न बनने के कारण ये पौधा बिल्कुल जो है स्ट्रेस में चला जाता है, और फल फूल फाल बिल्कुल भी नहीं ले पाता है। तो आज हम इस पर बात करते हैं कीटों की रोकथाम की। तो जैसे कि बहुत से किसान हैं कि कई प्रकार की कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आज हम आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और कीटों पर नियंत्रण भी लंबे समय तक रहेगा। तो हम बात करते हैं इंडोफिल कंपनी की टोकन। अगर इसमें टेक्निकल की बात की जाए तो डायोनेटाफुरान 20% SG फॉर्मुलेशन में रहता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और ये प्रति एकड़ की डोज की बात की जाए तो 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो इसके साथ में क्रिस्टल कंपनी की प्रोक्लेम नाम से जो प्रोडक्ट आ रहा है, इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्मुलेशन में रहता है। तो टोकन का अगर आपको मैं कार्य बता दूं तो वो क्या कि हरा तेला है, वाइट फ्लाई और चेपा आदि को कंट्रोल कर लेता है, और इसका लंबे समय तक नियंत्रण रहता है। और प्रोक्लेम जो है हमारी थ्रिप्स को मारने का कार्य करती है, और साथ में ही गुलाबी सुंडी पर भी कार्य करती है, तो उस समय थ्रिप्स और गुलाबी सुंडी से भी छुटकारा मिल जाता है। तो इन दोनों प्रोडक्टों का आप एक साथ में मिला के और इसमें छिड़काव कर सकती हैं, तो हमें इसमें लंबा रिजल्ट मिलेगा और अपने पौधे हैं बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और पत्तियां बिल्कुल हरी भरी रहेगी, इसे भोजन भी अच्छा बनेगा। तो अगर हम खाद खुराक की इसमें साथ में बात करें तो एक सवाल कंपनी का आ रहा है उकसाल के नाम से, NPK 11-11-8 विद जिंक और बोरोन के साथ में। उसमें 11% नाइट्रोजन है, 11% फास्फोरस है, और 8% पोटास है। और उसमें जिंक और बोरोन और इसके अलावा मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, आयरन वगैरह भी उसमें मिक्स रहता है। तो बहुत ही अच्छी कारगर दवा है खाद खुराक के लिए। तो आप इसमें मिक्स करके दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। और इससे क्या है कि पौधों को स्ट्रेस से भी बाहर आएगा, और पौधों को खुराक भी मिलेगी, और पौधे रस चूसे कीटों से भी इनको मुक्ति मिल जाएगी, और साथ में खाद खुराक भी हो जाएगी। तो आप इनको एक तीनों को एक साथ में दे सकते हैं। अगर प्रोडक्ट आपको इंडोफिल कंपनी का टोकन और क्रिस्टल की प्रोक्लेम ही रस चूसे कीटों के लिए लेकर आना है, उसका लंबे समय तक रिजल्ट है और लंबे समय तक उस पर नियंत्रण रहता है। तो इसी के साथ हमने आपको ये कुछ कीटों के बारे में और रोकथाम के बारे में उनकी जानकारी दी। नमस्कार, धन्यवाद।